सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव होता है लेकिन पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट है वो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने का सबसे एडवांस और ऑथेंटिक टेस्ट होता है और इसकी वैल्यू को हम लोग नहीं नकार सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, और अगर नहीं हो तो पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो पीरियड्स हैं उसके ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला तो यही है कि अगर आपने पीरियड्स की डेट आपकी मिस हो गई, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो आपने कंसीव किया है, तो आपने टेस्ट करवा लिया, वो तो नेगेटिव है। तो देखिए, बीटा एसीजी जो ब्लड टेस्ट है उसकी जो वैल्यूज आपको मिलती है वो कई बार आपको फॉल्स भी मिल सकती है, ठीक है। ये हार्मोनल टेस्ट है और हार्मोन को डिटेक्ट करता है। कई बार एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर आपने जल्दी टेस्ट करवा लिया बीटा एसीजी का, तो आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। ये प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन उसको ये डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। नंबर तीन, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, जिससे आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। नंबर फोर, अगर आपका जो जियोग्राफिक एरिया है वो चेंज हुआ है, आपकी सिटी चेंज हुई है, आप किसी दूसरे शहर में गए हो, तो उससे भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। पांचवा कारण, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। नंबर छः, अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, या फिर अदर कोई पिल ली है, जैसे मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नॉर्थिस्ट्रॉन जैसी कोई पिल ली है, तो उससे भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, या फिर आपने प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए अबॉर्शन पिल्स ली हैं, तो उससे भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। अगला कारण है, अगर आपको PCOD, PCOS की प्रॉब्लम है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो फ्लैक्चुएट होते हैं, तो इससे भी आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो सकते हैं। अगला कारण है कि अगर आपके यूट्रस में किसी प्रकार की गांठ है, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो इससे भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज थे। अगर आपको इनमें से कुछ कॉज समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। और अगर आपको पेन हो रहा है, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपको सारे सिम्टम लग रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर आपको वजाइनली वाई डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पेन ज़्यादा रहता है लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मल स्कैन है तो आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में आपको एक टैबलेट बताई है, उस टैबलेट का कोर्स 5 डेज का है, सुबह शाम लेनी है, और इस टैबलेट का जब आप कोर्स पूरा कर लोगे तो विद इन 1 to 10 डेज में आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।